हाय फ्रेंड, चलिए देखते हैं एनटीपीसी का जो चल रहा था, ये उसमें आज तक जितना पढ़ा है वो सभी को पहले एक बार ये बता देते हैं, उसके बाद फिर से इसको अगला टॉपिक पे तो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी चल रहा है, बहुतों का चैनल में चल रहा है अभी कट ऑफ का। ठीक है, तो कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है, कट ऑफ तो जो जाना है वो जाएगा ही, और बहुत ही कम है कि चांस बहुत इस बार कि बहुत कम कट ऑफ जाने वाला है। लेकिन फिर भी अगर देखें तो अगर जो भी जाएगा, अगर कोई CBT 2 में पार्टिसिपेट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए अगर वो अभी तैयारी करना ना छोड़े तो उसके लिए एक प्रॉफिट है कि यहाँ पर अभी ग्रुप डी का बाकी हुआ है, बाकी है ना, ग्रुप डी का बाकी, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। तो इसमें मैथ अगर प्रिपरेशन रहेगा तो क्या ग्रुप डी में नहीं काम आएगा? एकदम काम आएगा ही काम आएगा। ठीक है, इसलिए प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसको, और बाकी जिसका है कट ऑफ पार कर जा रहा है सब के लिए तो टेंशन नहीं है, वो सब अपना प्रिपरेशन जारी रखें। ठीक है, होगा ही होगा, एकदम होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्यू है, क्यू रूट निकालना है यहाँ पर, दोनों का क्यू रूट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, क्यू रूट निकालने के लिए बताए थे कि अगर क्यूब रूट निकालना है तो इसका लास्ट का 3 डिजिट को ले लेना है। ठीक है, और लास्ट में 8 है, तो 8 है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 का क्यूब जो होता था 1, 2 का क्यूब 8, और 3 का क्यूब यहाँ पर 27 था, और 4 का 64, 5 का 125, इस तरह से था। ठीक है, लास्ट में अगर 8 है तो यानी कि 2 का क्यूब हो रहा है, यानी कि ये लास्ट में 2 है तो यहाँ 8 है, तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, 8 रहेगा तो ये 2 का क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। अब ये 32, 32 यानी कि 32 से छोटा कौन सा संख्या पूर्ण घन है? 32 से छोटा 27, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका क्यूब रूट 3 हो गया। अब इसको जोड़ कर देखेंगे, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये इस तरह से जोड़ देंगे, 8 से 12 का 2, 7 एक 8 एक 9, 5 0 11। ठीक है, ये आ जा रहा है कितना, इतना 1,10,592। ठीक है, लास्ट का 3 डिजिट को बंद कर देंगे, लास्ट में 2 है, तो इसका जो पूरे का क्यूब रूट निकालेंगे तो जाहिर सी बात है लास्ट में 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, यहाँ पर 8 का क्यूब कितना था, 512। ठीक है, ये चीज पहले बता चुके, जो पिछला वीडियो नहीं देखे हो पिछला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसमें जाकर तो फिर ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, लास्ट में 2 है तो इसका क्यूब रूट 8 आएगा, 110, 110 से छोटा कौन सा संख्या पूर्ण घन है, 110 से छोटा, 110 से छोटा 125 बड़ा जा रहा है, छोटा 64 यानी कि ये 4 का। ठीक है, यहाँ पर कितना जाएगा, जो यहाँ ये 48, इसको ऐड कर देंगे कितना जाएगा, ये 250, 80 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये भी क्यूब रूट निकालना है, 704969 प्लस क्यूब रूट ये है। ठीक है, इतना डिवाइड बाय क्यूब रूट किसका, 3375। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालना है, तो ये लास्ट का जो है 3 डिजिट इस तरह से ले लेंगे, इसका 3 डिजिट, इसका 3 डिजिट। ठीक है, इसका निकालते हैं, लास्ट में 5 है यानी कि ये 5 का लास्ट में 5 हो जाएगा, और 3 है, 3 से छोटा पूर्ण घन, 1 का एक घन होता है, 1 आ जाएगा यानी कि ये 15, यहाँ पर ये लास्ट में कितना, 1, तो 1 इसका आ रहा है, 1 का क्यूब करने पर 1 आता है। ठीक है, तो 1 का अगर क्यूब रूट निकालेंगे यहाँ पर ये होगा, ये 29 से छोटा कौन सा संख्या पूर्ण घन है, 29 से छोटा 27, मतलब यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर ये 9 है, 9 किसका लास्ट में आता है, किसका क्यूब करने पर ये 9 आता है, यानी कि 9 का क्यूब करेंगे तो इसका मतलब यहाँ लास्ट में 9 होगा। 704, 704 से छोटा कौन सा संख्या पूर्ण घन है, 512, 729 बड़ा हो जाएगा, 512 ये 8 का, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 110 कितना हो रहा है, 1 0 8 3 11 12 120 हो रहा है, 15 15 20, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है, संख्या 22 माइनस 15 और माइनस 7 ठीक है, के घन का योग, के घन का योग कितना होगा, ठीक है कितना होगा। यहाँ पर क्या करना है, इसको देखना है, एक ये फॉर्मूला बताए थे ए क्यूब, अगर यहाँ पर इस तरह से यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आता है तो ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि तीनों संख्याओं का योग अगर जीरो आता है तो तीनों संख्याओं का घन जो होगा, घनों का योग क्या आ जाएगा, 3abc होगा ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ के देखना, ये आता है 22 माइनस 15 माइनस 7 कितना आ रहा है, ये माइनस में ये माइनस में, माइनस 15 माइनस 7 माइनस 22 और प्लस 22 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब 22 का क्यूब जो दिया गया संख्या है, इन संख्याओं का यहाँ पर क्यूब करेंगे ठीक है, तो ये किस तरह से आ जाएगा, 3 a की जगह पर 22 और b की जगह पर माइनस 15, c की जगह पर माइनस 7 ठीक है। यहाँ से इसको गुना करके ये माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ठीक है, ये प्लस आ जा रहा है। अब इसको क्या करना है, ये 3 से 3 सत्य 21 इधर आ जा रहा है, 3 सत्य 21 ये, और इसको गुना करेंगे 15 दुनी 30 और 3 35 हो जाएगा। अब इस 1 0 1 0 21 63 21 63 और 6 इतना 30 का आंसर आ जाएगा 6930 ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर ठीक है, और प्रैक्टिस सेट मारता रहिए ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए भी, प्रैक्टिस सेट लेकर डेली एक प्रैक्टिस सेट मारिए ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा। और नंबर क्वेश्चन क्या है, 8 का क्यूब और बाय में 16 है और डिवाइड बाय 100 का रूट 49 का रूट इंटू 125 का क्यूब रूट निकालना ठीक है। अब इसको क्या करना, 8 क्यूब रूट, 8 किसका क्यूब रूट है, 2 का, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट 10, 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू 125 का क्यूब रूट, तो ये 5 का हो जाएगा यहाँ पर ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये तो कट रहा है 1/2, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में अगर चेंज करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, 7 ऊपर 10 नीचे इंटू में 5, 5 टू जा कट गया तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7 ऊपर बचा हुआ है 2 टू जा 4, ये 7/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर समझ में आ रही है सारा कुछ, सारा क्वेश्चन इस टाइप का पहले बताया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहां पर मिल जाएगा एनटीपीसी करके है। अब क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा 625 को विभाजित किया जाना चाहिए, मतलब कि सबसे छोटी संख्या निकालना है जिससे 625 को विभाजित करने पर जो भागफल आएगा ठीक है, 625 को एक मतलब सबसे छोटी संख्या प्राप्त करना निकालना है जिससे 625 को डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने के बाद जो भागफल आएगा वह क्या होगा, एक पूर्ण घन होगा ठीक है। तो पूर्ण घन यानी कि 3 का जोड़ा लगना चाहिए, देखते हैं 625 का अगर एलसीएम यहाँ पर निकाल लें, 625 का 5 से 125 5 से यहाँ पर 25 फिर 5 से 5 होगा ठीक है। यहाँ पर हमको क्या चाहिए, क्यूब है पूर्ण घन यानी कि 3 का जोड़ा चाहिए, अगर a का क्यूब बोले तो a गुना ये 3 पर तभी तो ये पूर्ण घन होगा। उसी तरह से यहाँ पर पूर्ण घन निकालना मतलब 3 का जोड़ा होना चाहिए, तो कौन सा संख्या से डिवाइड कर दे कि 3 का जोड़ा बच जाएगा, तो ये 3 तो है यानी कि इसका फैक्टराइज करें 625 का तो 5 × 5 × 5 इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर ये घन लग गया यानी कि 3 को जोड़ा मिल गया, ये एक्स्ट्रा बच गया, तो ये 5 से अगर डिवाइड कर देंगे 5 कट जाएगा, तो जो बचा ये पूर्ण घन हो गया, ये भागफल पूर्ण घन हो गया। तो यहाँ पर कौन सा संख्या से डिवाइड करने पर, तो ये 5 से डिवाइड करने पर इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 5 हो जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/875। ठीक है, अभी तक तो जो क्वेश्चन था दशांश था, अभी आ गया यहाँ पर इस तरह से। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इतना बराबर इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, एकदम आसान से क्वेश्चन आता है, इसी तरह से आता है। ठीक है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज घुमा देता है, बाकी सारा रहता यही है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो पूछा गया था UPSSC में कल के जो एग्जाम में, उसमें इसी टाइप का था। उसमें जितना क्वेश्चन पूछा गया तो उस क्वेश्चन को भी, उसके लिए भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, ये 7 से कट रहा है, कितना बार कट रहा है ये यहाँ देख सकते हैं, 7 × 7 एक बार में कट रहे हैं यहाँ पर, 1 बज गया, 7 × 2 = 14, 2 यहाँ पर कितना जा रहा है, 3 आ गया ना, 3 बज के 3 यहाँ पर जाएगा, 7 × 35 यानी कि 1/125। ठीक है, यहाँ पर 1 का क्यूब रूट निकालेंगे, 1 एक ही होगा, 125 का क्यूब रूट 5 हो जाएगा, इसका 1/5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये 19/513 अगर रहेगा इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये 19 का भी क्यूब रूट नहीं निकलेगा, पूरे का क्यूब रूट है। ठीक है, घनमूल निकालना है, नहीं निकलेगा तो इसको काट देंगे। ठीक है, कितना से कटेगा ये, 19 × 38, ये 19 × 38 लास्ट में 3 है ना, तो 19 का टेबल में लास्ट में 3 है तो कितना बार आ जाएगा, 7 बार में आ जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 1/27 आ जाएगा, तो 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 27 का क्यूब रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है सबसे छोटी संख्या जिसके द्वारा, सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसके द्वारा 4243000 को विभाजित किया जाता है ताकि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, एक सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिस संख्या से इसको विभाजित करने पर यह एक पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 243×30, ये 30 तो पूर्ण घन है ही, 3 0 है, 3 का पेयर है। ठीक है, 1000 को लिख सकते हैं 10×10×10, इस तरह से 3 का पेयर मिल गया, तो क्यूब रूट है यानी कि घन है। ठीक है, पूर्ण घन 243 को देखना है, यहाँ पर 243 नहीं है, अगर 343 रहता तो अभी पूर्ण घन था। ठीक है, तो 243 का यहाँ पर एलसीएम निकाल कर देखते हैं, किस संख्या से डिवाइड करना है, 8, 1, 3 से 27, 81, 3 से 9, 27, 3 से 3। ठीक है, तो इसमें क्या है, पूर्ण घन निकालना है ना, तो पूर्ण घन यानी कि 3 का जोड़ा, यहाँ पर ये 3×3×3 ऐसा आ गया, और 1000 को लिख सकते हैं यहाँ पर 30 का 1020, 30 हो गया। इसमें एक्स्ट्रा क्या दे रहा है, 3 का पेयर मिल गया। ठीक है, और ये 3 का पेयर मिल गया, ये नहीं मिला। ठीक, यानी कि 3×3 = 9, इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यह पूर्ण घन आ जाएगा, जो बचेगा भागफल ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ किससे डिवाइड करें, 9 से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 243000 को डिवाइड करने से भागफल जो आता है वो पूर्ण घन हो जाता है, तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्टली इसलिए बता रहे क्योंकि इसमें इससे रिलेटेड पहले वीडियो सारा बताया गया है। ठीक है, सभी बना चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करना है यहाँ पर, ये क्या दिया हुआ, इसका पूरे के निकालना, इस तरह का जब क्वेश्चन आता है यहाँ पर इसका सबसे पहले निकाल देना स्क्वायर रूट। ठीक है, ये स्क्वायर रूट कितना, 225 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 15 हो जाएगा, इसमें 15 जोड़ देना है। ठीक है, कितना जाएगा यहाँ पर, ये 169 हो गया। ठीक, और 169 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 13, इसमें 13 जोड़ देना है, कितना जाएगा यहाँ पर, 13 जोड़ने पर 3 × 2 = 5, 1 × 1 = 2 हो गया, 6 × 5 = 1, इसका क्यूब रूट निकालना है। लास्ट में क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट ले लेंगे, लास्ट में 5 है तो इसका क्यूब रूट 5 आ जाएगा, लास्ट में 15 है तो यहाँ पर 15 से छोटा कौन सा संख्या पूर्ण घन है, 8 है, किसका घन है, 2 का, तो ये 2 आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि ये
ये तो 125 है जिसका क्यू रूट 5 हो गई, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, ये 3 और ये 3, मतलब कि देखे तो 6 डिजिट है। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना डिजिट हो जाएगा। और इसमें सिंपल है कि अगर इस तरह से देखें, नीचे ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे आ जाएगा कितना, 0, 6 0, ठीक है। 6 0 का, 6 0 का क्यू रूट कितना होगा, 2 0, बाद में 2 0 रहेगा, यानी कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट रहेगा। यहाँ पर 3 का पेयर इसे लगाना है अगर शॉर्टकट में देखे तो, ठीक है। 3 का पेयर लगाएंगे, ये 125 का क्यू रूट 5 होगा, 3 का पेयर लगाएंगे कितना, 3 का पेयर मिला 2, 3 का पेयर मिला मतलब 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट आ जाएगा 1, और ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा, नीचे में 2 0, 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, करें सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जिसके क्या कह रहा है, जिससे 392 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाए, ठीक है। 392 एक छोटी संख्या प्राप्त करना है जो इसमें अगर गुना कर दे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 392 का यहाँ पर क्यूब रूट निकाल, यहाँ पर एलसीएम निकाल कर देख लेंगे, ठीक है। फैक्टराइज करके 3 का जोड़ा यहाँ पर लगा देना है 2 से, ठीक है। 19 × 38 हो जाएगा, 1 × 6 = 12 हो जाएगा, 196 यहाँ से देख सकते हैं, 196 किसका वर्गमूल है, 14 का, ए स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर यानी कि वर्ग जो है 14 का है, ठीक है। 14 × 14 यहाँ पर ये 2 है, इसमें कौन सा संख्या गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन, पूर्ण वर्ग बन जाएगा 2 से, यही तो इसका पेयर नहीं मिला था, इसका पेयर मिलाने के लिए यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये पूर्ण वर्गमूल हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण वर्गमूल ही पूछ रहा था, अच्छा पूर्ण घन पूछ रहा था, पूर्ण घन बोला था, पूर्ण घन बन जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 2 गुना ये किसका है, 14 का है, 14 को क्या लिख सकते हैं, 2 × पूरे का एलसीएम निकाल सकते हैं, यहाँ पर 2 से कितना जाएगा, ये 9 × 18 1 × 8 = 16, फिर 2 से जाएगा 49 × 98, फिर 7 से जाएगा तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 का पेयर मिल गया, ये 2 ठोंगे एक और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 3 × 7 हो जाएगा 3, 3 जोड़ा मिल गया, यहाँ पर इसको कितना से गुना करना होगा, 7 से गुना करना होगा, 392 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है, ठीक है। दो संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब दो संख्या मान लेते हैं ए का वर्ग और बी का वर्ग बराबर दिया हुआ 146, ठीक कह रहा है, और उनमें से एक का वर्गमूल, एक का वर्गमूल मतलब कि यहाँ पर एक का वर्गमूल, ठीक है, एक का वर्गमूल निकालेंगे तभी तो यहाँ पर आ जा रहा है √5, ठीक है। एक का वर्गमूल √5 है, मतलब √√ कट जाएगा तो ए बराबर 5, यहाँ पर इनडायरेक्टली रूप से दिया हुआ है ए बराबर 5। तो क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या का घन ज्ञात करें, ठीक है, दूसरी संख्या का घन ज्ञात करें, मतलब कि ए दिया हुआ, यहाँ पर ए मान लेते हैं, ए दिया हुआ 5, तो बी क्यूब निकालना है, ठीक है, इसका बी क्यूब निकालना, ए बराबर 5 पुट करेंगे यहाँ पर तो 5 का स्क्वायर ए बराबर 5 पुट कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 146, ए इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 121 आ जाएगा, इसमें 25 माइनस कर देंगे तो ये 121 आ जाएगा, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये अगर ये इधर स्क्वायर उधर चल जाएगा तो रूट हो जाएगा, 121 का रूट कितना निकलता है 11। यहाँ पर पूछ रहा था बी क्यूब का वैल्यू, मतलब कि बी का वैल्यू 11 है, तो 11 का क्यूब पूछ रहा है, 11 का क्यूब कितना होता था 31, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी क्यूब पूछ रहा था, बी क्यूब का वैल्यू जो होगा 31 हो जाएगा, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, इसको 11 से गुना करना है, 11 से गुना करना है तो ये 1 यहाँ पर रहेगा, इस दोनों को जोड़ देना है 3, ये दोनों को जोड़ देना है 3, और ये 1 यहाँ हो जाएगा 1321, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण घन, निम्नलिखित में से कौन सा
एक पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है। ठीक है, पहला है 343, 125 और 81 या 64, इसमें से कौन सा है संख्या जो पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण घन भी है। ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसका, जो भी आंसर होगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है।